केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा बेहतर दक्षता के लिए अपनी क्षमताओं को और अधिक मजबूत करने की जरूरत। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय अब देश के कुल 48 वस्तुओं के मूल्यों की निगरानी करेगा। विजन डॉक्यूमेंट के लिए अंबिकापुर में संभाग स्तरीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन। और साइबर अपराधों से निपटने के लिए दुर्ग पुलिस द्वारा रेंज स्तरीय सेमिनार का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं लीना साहू। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित 83वें AFHQ नागरिक सेवा दिवस समारोह में भाग लिया। उन्होंने कुशल नीति निर्माण और सुधारकों के क्रियान्वयन के लिए कर्मियों से अपने कौशल को उन्नत करने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री ने नागरिक सेवाओं को शासन का स्टील फ्रेम बताते हुए कहा कि आप सशस्त्र बलों और बाकी नागरिक सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। बेहतर दक्षता के लिए अपनी क्षमताओं को और अधिक मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि तीनों सेनाएं रक्षा मंत्रालय के कामकाज का एक बड़ा हिस्सा है। सशस्त्र बलों और नागरिक सेवाओं को बेहतर परिणाम के लिए कमांड मुख्यालय एवं सेवा मुख्यालय से लेकर मंत्रालय स्तर तक मिलकर काम करना चाहिए। तीनों सेनाओं के अधिकारी पॉलिसी मेकिंग से लेकर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन तक बेहद अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर आखिर हमें इस तरीके की सिविलियन सर्विसेज की क्या जरूरत है? प्रश्न यह खड़ा होता है। इसको मैं दो नजरिए से देखता हूं। पहला नजरिया तो यह है कि किसी भी बड़ी संस्था में और खासकर सफल संस्था में अधिकारियों और कर्मचारियों के अच्छे काम करने और उस संस्था की सारी अच्छाइयों के बावजूद ग्रुप थिंक की संभावना सदैव विद्यमान रहती है। ग्रुप थिंक की संभावना आर्म फोर्सेज जैसी संस्थाओं में तो और मैं मानता हूं कि ज्यादा हो जाती है। उल्लेखनीय है कि AFHQ दिवस हर साल 1 अगस्त को उन कर्मियों की भूमिका को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है जो मुख्य रूप से 3 एकीकृत सेना मुख्यालयों, एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय और रक्षा मंत्रालय के 24 अंतर सेवा संगठनों में सैन्य कर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। AFHQ कैडर की नींव 1 अगस्त 1942 को रखी गई थी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी ने मूल्य निगरानी प्रणाली मोबाइल ऐप के 4.0 संस्करण की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार के उपभोक्ता मामले के विभाग के 1 अगस्त 2024 से मूल्य निगरानी के अंतर्गत 16 अतिरिक्त वस्तुओं को शामिल किया है। दैनिक मूल्यों की निगरानी के अंतर्गत पहले से ही 22 वस्तुएं शामिल हैं। अब कुल 48 वस्तुओं के मूल्यों की निगरानी की जाएगी। प्राइस वोलेटिलिटी को स्टेबलाइज करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए दिस विल बी मोर हेल्पफुल एंड दिस इज ऑल बीइंग डन अल्टीमेटली। तो जो लोगों को कभी कभी सीजनल प्रोडक्ट्स जो होता है, वेजिटेबल हो, फ्रूट्स हो, उसके कारण भी थोड़ा प्राइस वोलेटिलिटी होता है, उसके कारण अचानक फूड इन्फ्लेशन भी हमको बहुत ज़्यादा दिखने लगता है, तो तब हम इंटरवीन करके कुछ मेजर्स ले सकते हैं। फर्स्ट टाइम हमने प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड और प्राइस स्टेबलाइजेशन पॉलिसी एक फंड के नाते हमने एस्टेब्लिश किया है। बताया गया है कि विभाग देश के 34 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में 550 केंद्रों से दैनिक कीमतों की निगरानी कर रहा है। 48 वस्तुओं का कुल CPI भार में लगभग 31% हिस्सा है, जबकि 22 वस्तुओं का CPI भार 26.5% है। नई जोड़ी गई 16 वस्तुओं में बाजरा, ज्वार, रागी, सूजी, मैदा, बेसन, घी, मक्खन, बैगन, अंडा, काली मिर्च, धनिया, जीरा, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर और केला भी शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी गुरुवार को कोरबा प्रवास पर रहे। उन्होंने केंद्रीय बजट को अमृतकाल के विजन की नींव बताया। श्री चौधरी ने बताया कि यह बजट विकसित भारत की संकल्प यात्रा का दिशा निर्देश बजट है, जो समृद्ध और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ विकसित भारत के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा। यह बजट देश की आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देगा और प्रगति की नई ऊंचाइयों तक पहुँचाने में सहायक होगा। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मोदी जी के 3.0 का पहला बजट 11वें साल में आया है, जो विकसित भारत 2047 तक बनाने के लिए न्यू के पत्थर के रूप में काम करेगा। इस बजट को ज्ञान को समर्पित हम मान सकते हैं। ज्ञान अर्थात जी का अर्थ गरीब, वाई का अर्थ युवा, ए का अर्थ अन्नदाता, एन का अर्थ नारी शक्ति। ज्ञान को यह समर्पित बजट है। और फोकस वे में मैं अगर कहूँ तो युवा और युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में अच्छा रोजगार, मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में, लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में देने वाला यह बजट है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में देश के विकास, रोजगार के साथ ही पर्यावरण की दिशा में कई अहम फैसले लिए गए हैं। यह बजट गरीब, युवा, अन्नदाता एवं नारी शक्ति को समर्पित है। छत्तीसगढ़ विजन 2047 के तहत संभाग स्तरीय संवाद कार्यक्रम अंबिकापुर के ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया, जिसमें पूरे संभाग से युवा, कृषक, महिला एवं प्रबुद्ध जन श्रेणी में प्रतिभागी शामिल हुए। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि जिस तरह से अमृतकाल में पूरे देश का विजन डॉक्यूमेंट बन रहा है, उसके आधार पर देश का विकास करना है। इसी में कहीं छत्तीसगढ़ पीछे ना हो जाए, इसे लेकर विजन एट 27 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बेहतर तरीके से कैसे डेवलप हो, हर क्षेत्र में उसकी योजना ऐसी बने जो उसके आधार पे हम आगे भविष्य में योजना बना के काम कर सकें, ऐसा सोच करके इसी नीचे स्तर तक जा कर के लोगों से चर्चा भी कर रहे हैं, ओपन डिस्कस भी कर रहे हैं, ऑनलाइन भी कर रहे हैं। लोगों को अलग से उन्हें अपने अपने जो सजेशन हैं, जो सुझाव देना है, कुछ बात रखनी है, तो उसके माध्यम से और संबंधित वो भेज सकते हैं, सुझाव भेज सकते हैं। इस कार्यक्रम में महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, विधायक राजेश अग्रवाल, विधायक प्रमोद मिंज सहित जिले के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जय जोहार संगवारी हो, मैं हाँ पवीता। छत्तीसगढ़ दर्शन दिखैया हमारे जम्मू दर्शक मन के स्वागत हवे। प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ी में छत्तीसगढ़ दर्शन देखते रहिए हर रविवार शाम 4:15 बजे दूरदर्शन रायपुर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली पब्लिक स्कूल रिसाली प्रबंधन के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में पेरेंट्स एकजुट हुए। इस दौरान उन्होंने स्कूल का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। पेरेंट्स द्वारा बच्चों की सुरक्षा सहित कुछ अन्य मुद्दों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। स्कूल के भीतर पहुंचते ही पेरेंट्स स्कूल के प्राचार्य प्रशांत वशिष्ठ के साथ चर्चा की मांग करते रहे। काफी इंतजार के बाद प्राचार्य चर्चा के लिए तैयार हुए। पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में स्कूल प्रबंधन एवं पेरेंट्स दोनों ही क्षोभ के मध्य चर्चा जारी है। जिले के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने कहा कि कुछ लोग दुर्ग जिले में शांत माहौल को खराब करना चाहते हैं और हमें इनसे बच के रहना है। हाँ, उसको ही देखकर कल शाम से जो वो गार्जियन को बहकाने का और गार्जियन को भड़काने का जो मीडिया में कुछ चला, सोशल मीडिया में, उसको देखते हुए हमको लगा कि एक
पुलिस अधीक्षक के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है उन गार्जियंस के प्रति कि हम तथ्यों को सामने लाएं, क्योंकि अभी तक जो है वो गलत सोर्सेस से उनके पास या अनौपचारिक रूप से सोर्सेस से जो उनके पास पहुंच रहा है उस पर उनके पास कोई आधिकारिक वक्तव्य नहीं थे, तो उसको देखते हुए हमने ये सोचा कि उस पर एक आधिकारिक वक्तव्य जारी करें ताकि गार्जियंस का मतलब भरोसा भी कायम रहे और गार्जियंस को ये पता भी चले कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और उनको कोई बहकाया नहीं। गौरतलब हो कि एक माह पूर्व डीपीएस मरोदा प्राइमरी स्कूल में एक बच्चे के साथ हुई घटना का उल्लेख किया गया। इस पूरे मामले में स्कूल प्रबंधन के द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप भी लगाया। कबीरधाम जिले में महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 2.5 लाख फलदार छायादार पौधा रोपण किया जाएगा। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए वन विभाग, जिला पंचायत, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग और उद्यानिकी विभाग को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई है। इसके बाद देश भर में इस तरह पौधारोपण का काम किया जा रहा है। हिंदू मान्यता के अनुसार सावन के इस पवित्र महीने में भक्त शिव मंदिरों में जल अभिषेक कर मनोकामनाएं मांगते हैं। इसी कड़ी में सीतापुर विधायक राम कुमार टोप्पो के नेतृत्व में महाकावड़ यात्रा की शुरुआत की गई है, जहां बनारस के 80 घाट से जल उठाकर सीतापुर चोर की पानी के शिव मंदिर में जल अभिषेक किया जाएगा। दरअसल यह कावड़ महायात्रा 400 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करेगी। इस कावड़ महायात्रा का यह तीसरा साल है, जिसमें इस बार नवनिर्वाचित विधायक राम कुमार टोप्पो सहित 100 लोग शामिल होकर बनारस के 80 घाट से जल उठाकर सरगुजा जिले के सीतापुर चोर की पानी शिवधाम पहुंचेंगे, जहां जल अभिषेक किया जाएगा। ये पूरी यात्रा 12 दिनों की होगी। जशपुर जिले में हाथियों के आने की सूचना अब लोगों को मोबाइल फोन पर मिलेगी। इसके लिए जिले में हाथियों से होने वाली जनहानि रोकने एनिमल ट्रैकर डिवाइस को सक्रिय किया गया है। इसके लिए जिला पंचायत में एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया था। डीएफओ जितेंद्र उपाध्याय ने बताया कि टेक्स्ट मैसेज के साथ ही वॉइस मैसेज भी ऐप में पंजीबद्ध मोबाइल पर पहुंचेगा। विभाग का लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों तक हाथियों के हलचल की सूचना पहुंचाकर उन्हें विचरण वाले क्षेत्र से दूर रखना है ताकि जनहानि ना हो। छत्तीसगढ़ सरकार की ऐप है हमारे एलिफेंट ट्रैकिंग ऐप और ओडीए के ऐप, ये दो ऐप के माध्यम से आज पूरे जिला स्तर पर वन विभाग, इसमें कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि थे, जिला प्रशासन से निलंकर बसु थे, शिक्षा विभाग के थे, नगर सेना के थे, इसमें सभी को बुला करके और पूरे एक इस ऐप के बारे में जानकारी दी गई और इस ऐप के माध्यम से आज इसका लॉन्च भी किया गया है। यहाँ पे इस ऐप में जिस जगह में हाथी रहेगा उसके 10 किलोमीटर के एरिया में हम जितने नंबर को उसमें पंजीयन डालेंगे उस सभी नंबर में एक साथ मैसेज भी जाएगा और एक वॉइस कॉल भी आएगा जो हाथी की उपस्थिति के बारे में उसकी सावधानी के बारे में बताएगा। तो एक बहुत ही ये कारगर ऐप है और एक ऑटोमेटिक ऐप है जिसके माध्यम से सभी लोगों को एक साथ मैसेज जाना और वॉइस कॉल आने के माध्यम से उनको अलर्ट करना, एक मुनादी करना, ये इससे संभव हो पाएगा और लोग इससे हाथी के बारे में ज़्यादा सतर्क हो पाएंगे। यह पहल स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे लोगों को हाथियों से बचने का पर्याप्त समय मिल जाएगा और जानमाल का नुकसान कम होगा। इस प्रणाली से हाथियों के आने की सूचना तेजी से बड़ी संख्या में लोगों तक पहुँचाई जा सकेगी। बीजापुर जिले में डीआरजी और बस्तर फाइटर की टीम ने दो स्मारकों को ध्वस्त कर दिया। सुरक्षा बलों की टीम मद्देड़ थाना क्षेत्र के बंदेपारा कोंजेड़ की ओर सर्चिंग के लिए निकली थी। इस दौरान जवानों ने शहीदी सप्ताह मनाने के लिए बनाए गए नक्सलियों के स्मारक को ध्वस्त कर दिया। डीएसपी विनीत साहू ने बताया कि सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बल के जवान इस तरह की कार्रवाई करते हैं। दिनांक 1 अगस्त 2024 को जिला बीजापुर से डीआरजी अम्बस्तर फाइटर की संयुक्त टीम थाना मद्देड़ क्षेत्र अंतर्गत बंदेपारा कोरंजड़ की ओर अभियान पर निकली हुई थी। अभियान के दौरान संयुक्त टीम को बंदेपारा में माओवादियों द्वारा निर्मित 15-15 फीट के दो माओवादी स्मारक दिखाई दिए, जिसे दोनों टीमों के द्वारा ध्वस्त किया गया। क्षेत्र में सघन गश्त सर्चिंग बताया गया है कि अभियान के दौरान संयुक्त टीम द्वारा बंदेपारा में माओवादियों द्वारा बनाए गए 15-15 फीट ऊंचाई के दो स्मारकों को ध्वस्त किया गया।
साइबर अपराधों के बदलते स्वरूप से निपटने के लिए दुर्ग पुलिस द्वारा भिलाई में रेंज स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में पुलिस अधिकारियों को साइबर अपराधों की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया गया। विशेषज्ञ द्वारा साइबर अपराध के निराकरण के लिए विवेचना में ई साक्ष्य संकलित करने, कॉल डिटेल रिकॉर्ड विश्लेषण तथा साइबर अपराध विवेचना में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के डाटा का इस्तेमाल करने संबंधी जानकारियां दी गई। दुर्ग रेंज के आईजी राम गोपाल गर्ग ने कहा कि इस सेमिनार का उद्देश्य साइबर अपराधों की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक तकनीकी जानकारी प्रदान करना है। तो आजकल साइबर क्राइम हो रहे हैं, उसके संबंध में हमारे दुर्ग रेंज में तीनों जिले के दुर्ग, बालोद और बेमेतरा तीनों के सभी थानों से दो दो आरक्षक और संबंधित अधिकारी विवेचकों को बुलाकर यहाँ पर हम उनको साइबर क्राइम की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि JCCT जो कि भारत सरकार द्वारा एक ज्वाइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम बनाई गई है, एक पोर्टल डिज़ाइन किया गया है जिसके के उनके मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है उसके बारे में सबको सिखाया जा रहा है ताकि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनको गिरफ्तार करने में और विवेचना आगे करने में मदद हो सके। सेमिनार में दुर्ग के अलावा बेमेतरा और बालोद जिले के करीब 150 पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए। राजनांदगांव कोतवाली पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ दो तस्करों को पकड़ने में सफलता पाई है। पुलिस ने इनके पास से ब्राउन शुगर के 100 पैकेट बरामद किए हैं। इसकी कीमत लगभग 50,000 रुपए आंकी गई है। कोतवाली थाना के प्रभारी एमन साहू ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर दो व्यक्तियों को ब्राउन शुगर के साथ लखौली बाईपास के आसपास घेराबंदी कर पकड़ा गया। कोतवाली को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति हैं जो अवैध रूप से मादक पदार्थ रखे हुए हैं, जिस पर थाना कोतवाली और साइबर की संयुक्त टीम ने रेड किया और उन दोनों को घेराबंदी करके पकड़े। दोनों बेसिकली दुर्ग के रहने वाले हैं, एक का नाम दीपेश साहू है, दूसरा योगेश विश्वकर्मा है, और जिनके कब्जे से लगभग 10 ग्राम मादक पदार्थ ब्राउन शुगर जब्त हुआ है और जिनकी अनुमानित कीमत है 50,000 रुपये है, और दोनों को आज विधिवत गिरफ्तार किए हैं और माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। बताया गया है कि पकड़े गए आरोपियों में दुर्ग निवासी विपेश साहू और योगेश विश्वकर्मा शामिल हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ की धारा के तहत कार्रवाई की है। कोंडागांव पुलिस ने चोरी के गुत्थे को सुलझाते हुए चोरी में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से सोने चांदी के जेवर समेत नकदी भी बरामद की गई है। पुलिस जिले के पुलिस अधीक्षक अक्षय कुमार ने बताया कि बयानार के बाजार से तीन लोगों से सोने चांदी के जेवर समेत नगद राशि के चोरी होने की शिकायत मिली थी। व्यापारी राकेश कुमार जैन ने इसकी शिकायत की थी, जिसके आधार पर पूछताछ शुरू की गई। साइबर सेल की टीम भी लगातार जांच में लगी हुई थी। जांच के दौरान उन्हें एक आरोपी को महासमुंद के भीमखोज में छिपे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ पर उसने अपने दोनों साथियों के बारे में भी जानकारी दे दी। हमारा फरज गांव में एक आदमी से, लोग बुजुर्ग आदमी से पूछे थे कि मतलब आज कई बड़ा मार्केट लग रहा, क्या करें पूछे। तो फिर जैसे वो बोला है कि आगे बयनार करके विलेज है, विलेज में बड़ा मार्केट है आज करके ये बोले थे। तो फिर ये लोग बयनार की तरफ आगे बढ़े थे, जिससे आगे बढ़े थे तब इन लोगों को समझ में आया कि ये सही में एक बहुत बड़ा मार्केट है। अब राकेश जैन ज्वेलर जैसे इन लोग मतलब राकेश जैन को ऑब्जर्व किए थे, बहुत सारे सोना चांदी को यहाँ ट्रांजैक्शन चल रहा है करके, तो फिर ये लोग उनको टारगेट किए थे, उनको 3-4 घंटा ऑब्जर्व किए थे। जैसे बोलेरो में लोड करने का समय आ गया है, तब ये लोग एक वो पेटी लेके ये लोग निकले थे। इसके बाद उनको समझ में आया कि एक पेटी गायब है, तो फिर ये मामला था। और इसमें हमको अगर आप देख रहे तो हमको लगभग 13 kg चांदी मिला है और एक 6.7 लाख का कैश इनसे हमको जब्ती हुआ है, इनका घर से जब्ती हुआ है। इनका कहने के आधार पर उसमें कुछ हिस्सा का गोल्ड ये लोग बेच दिए हैं, बेच के वो कैश को ये लोग ले लिए हैं। कैश को भी हम जब्ती किए हैं, कैश को आपको दिखा रहे हैं। और जो होंडा शाइन गाड़ी में ये लोग चोरी किए हैं, वो होंडा शाइन गाड़ी को भी हम जब्ती किए हैं, वो भी बाहर करी है। और ये कुल मिला के लगभग 19,50,000 का इसमें जुमला कीमत है। बताया गया है कि पुलिस ने सचिन ध्रुव, नागराज और राकेश को गिरफ्तार कर उनके पास से 19 लाख रुपए से अधिक की सोने चांदी और नगद राशि बरामद की है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में 20 जिलों में आज भारी बारिश का येलो और 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रायपुर में सुबह से चली रिमझिम बारिश के बाद दोपहर से तेज बारिश शुरू हुई। वहीं सरगुजा संभाग के ज्यादातर हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त तक 614.4 मिलीमीटर
बारिश हो चुकी है। बालोद, बलौदाबाजार, दंतेवाड़ा, कांकेर, मोहला मानपुर, नारायणपुर, सुकमा में अच्छी बारिश हुई है। बीजापुर में प्रदेश में सबसे ज्यादा 1406 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। प्रदेश के 9 जिलों में कम बारिश हुई है, जिसमें ज्यादातर जिले सरगुजा संभाग के हैं। बताया गया है कि बलरामपुर में खेत में काम कर रहे मां बेटे की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं वाड्राफ नगर के बढ़ती कला में गाज गिरने से 8 बकरियों और 2 गायों की भी जान चली गई। इसी तरह बस्तर संभाग के ही कांकेर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा में भी भारी बारिश हुई। यहाँ के नदी नाले उफान पर हैं। वहीं अच्छी बारिश से किसान खुश हैं और खेती किसानी के काम में तेजी आ गई है। और अब कुछ खबरें जिलों से। जांजगीर चांपा के गेमन पुल के पास अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। सभी अतिक्रमण करने वालों को समझाइश दी गई। इस दौरान चांपा तहसीलदार पुलकित साहू, चांपा टीआई डॉक्टर नरेश पटेल सहित नगर पालिका के कर्मचारी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि प्रशासन के अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई चल रही है। बेमेतरा जिले के नवागढ़ स्थित आत्मानंद स्कूल में सांप घुसने से हड़कंप मच गया। स्कूल के भीतर 3 सांप देखकर बच्चे काफी घबरा गए, जिसके बाद स्कूल के शिक्षकों ने स्थानीय युवक की मदद से सांप को बाहर निकाला, जिसके बाद सभी बच्चों ने राहत की सांस ली। दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र के 2 अस्पतालों में अनियमितता पाए जाने के कारण उसे बंद कर दिया गया है। जांच टीम को वहां के एक लैब और एक क्लिनिक के पास नर्सिंग होम एक्ट के तहत आवश्यक दस्तावेज नहीं मिले। संस्था के संचालकों ने नोटिस जारी कर वैध दस्तावेज उपलब्ध कराने तथा संस्थान बंद करने के निर्देश दिए गए। जांजगीर में एक पेड़ मां के नाम महावृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत खोखरा गांव में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक व्यास कश्यप, कलेक्टर आकाश शिकारा सहित जनप्रतिनिधि, समूह की महिला एवं ग्रामीण जन उपस्थित थे। विधायक ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम लगाकर हमें उसे बड़ा करना हमारी जिम्मेदारी है। पेड़ लगाने से पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है और हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होता है। बेमेतरा में अपनी समस्या लेकर जब बुजुर्ग महिला नगर पालिका कार्यालय पहुंची तो उसे एक पल के लिए भी यकीन ही नहीं था कि लंबे समय से जिस परेशानी से वो जूझ रही है वो कुछ ही घंटों में दूर हो जाएगी। पिकरी निवासी 81 वर्षीय कमल बाई के घर में नल कनेक्शन नहीं होने से वो पानी की समस्या से जूझ रही थी। इस संबंध में कई अधिकारियों से शिकायत भी कर चुकी थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, बेहतर दक्षता के लिए अपनी क्षमताओं को और अधिक मजबूत करने की जरूरत। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय अब देश के कुल 48 वस्तुओं के मूल्यों की निगरानी करेगा। विजन डॉक्यूमेंट के लिए अंबिकापुर में संभाग स्तरीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन। और साइबर अपराधों से निपटने के लिए दुर्ग पुलिस द्वारा रेंज स्तरीय सेमिनार का आयोजन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।